राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसका अवार्ड सेरेमनी के साथ समापन हुआ। समारोह में 25 श्रेणियों में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को पुरस्कार दिए गए। क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों में पंजाबी फिल्म किस्मत को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला, तो वहीं राजस्थानी फिल्म वीरांगना को बेस्ट फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं भारतीय सिनेमा के नेगेटिव और कॉमेडी रोल करने वाले कलाकार शक्ति कपूर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शक्ति कपूर, श्रेयस तलपड़े, राजेश पुरी, सतीश कौशिक, कला एवं संस्कृति मंत्री बीडी कल्ला सहित अनेक क्षेत्रीय भाषा के कलाकार मौजूद रहे। बता दें कि राजस्थान न्यूज इस फिल्म फेस्टिवल का मीडिया पार्टनर भी था। बहुत अच्छा लग रहा है, यू नो, जैसे इन सारे बड़े बड़े लोगों ने इतनी सारी जो बातें की वो सच है कि आज राजस्थान फिल्म्स को जो प्लेटफॉर्म ये दोनों दे रहे हैं, यहाँ पे जिस मुकाम पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, आई एम श्योर, यू नो, आज राजस्थानी फिल्में अगर लोग बाहर जानते हैं तो इसमें इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का फिनाले 2019 डन हो गया है। बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट मूवी, अदर रीजनल, राजस्थानी, सारी चौक मिला के 25 फिल्मों को अवार्ड मिला है। 25 कैटेगरी में राजस्थान में अवार्ड दिया गया है, अदर कैटेगरी और राजस्थान की कैटेगरी में, दोनों में। सौर सरे सर ने जबरदस्त सोलेट होस्ट किया है और सतीश कौशिक सर ने शक्ति कपूर जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। उत्तर प्रदेश भर में नवरात्र की धूम है, मंदिर